अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीफ कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमें चाहिए गरम मसाला, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हसबे ज़रूरत नमक चाहिए, 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज, 2 अदद टमाटर, 3 से 4 अदद सब्ज मिर्च और आधा किलो जो है वो आपको बीफ चाहिए। सबसे पहले आप कोई भी कढ़ाई ले लें, कोई भी बर्तन ले लें, उसमें जो है वो आप 1 कप से 1.5 कप जो है वो घी डाल लें। कढ़ाई जो है वो मैं घी में बना रही हूँ क्योंकि मुझे जो है वो घी में बनी हुई कढ़ाई जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। आपकी अपनी च्वाइस है कि आप जो है वो किस में प्रेफर करती हैं बनाना। ऑयल अगर आपको पसंद है तो आप ऑयल में बना सकती हैं, घी में पसंद है तो आप घी में बना सकते हैं। जैसे ऑयल गर्म होगा तो मैं इसमें गर्म मसाला डाल दूंगी। गर्म मसाले में मैं इलायची डाल रही हूँ, दालचीनी का टुकड़ा डाल रही हूँ, 3 अदद लौंग हैं। अच्छी तरह से जो है आपने इसको भून लेना है। जैसे ही आप इसको जो है भूनेंगी तो आपको थोड़ा सा स्मेल आएगी। जैसे ही आप स्मेल फील कर रहे हैं तो आपने इसमें क्या करना है, गोश्त डाल देने हैं। गरम मसाला जो है वो मैंने डाला है, उसके बाद मैंने गोश्त डाल दिया है, 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने नमक डाल दिया है। अब जो है वो मैं चम्मच हिला रही हूँ। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से फॉलो करना ही है रेसिपी और इसी तरह से आपने बनाना है। आपने गोश्त को इतना भून लेना है कि ये लाइट ब्राउन कलर हो जाए, पानी इसका जो है वो खुश्क हो जाए, पानी नहीं होना चाहिए इसमें। अक्सर लोग जो होते हैं वो इतना सही तरीके से भूनते नहीं है, पानी अंदर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से गोश्त में स्मेल आती है और वो खाया भी नहीं जाता। तो आपने कोशिश करनी है कि पानी जो है वो आप खुश्क कर लें। देखें, आपको नजर आ रहा है कि जो है इसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। जैसे इसका कलर चेंज होगा तो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया मैंने। अब जो है मैं गोश्त को जो है इस पेस्ट में भूनूंगी। अच्छे तरीके से जो है आपने इसको भून लेना है। इस तरह से जो ये पानी आपको नजर आ रहा है ये नहीं होना चाहिए। देखें, ये जो है भून गया है। अब इसमें मैं 2 अदद कटी हुई बारीक प्याज डाल रही हूँ। साथ में ही मैं इसमें 2 अदद बारीक कटे हुए टमाटर डाल दूंगी। इसके साथ 2 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालकर आपने इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से हिलाना है। इतनी अच्छी तरह से आपने चम्मच की मदद से हिलाना है कि जो मसाला है ये मिक्स हो जाए। थोड़ी देर पकाने के बाद आपने इसमें 2 कप पानी भी डाल देने हैं। दो कप पानी डालने के बाद आपने चम्मच हिलाना है दोबारा से। थोड़ी देर पकाने के बाद आपने इसको हल्की आंच पर जो है 30 मिनट, 30 से 35 मिनट तक पकने के लिए रख देना है।
उसके बाद जो है वो आप देखेंगे कि कितना अच्छा जो है हमारा मसाला और ये जो कढ़ाई है तैयार होने के करीब है। इसमें मैं 2 टेबल स्पून जो है वो दही ऐड कर रही हूँ, 2 खाने के चम्मच जो है वो दही डाल दिए मैंने। शुरू में मैंने ये बात नहीं बताई थी, पर अब आपको बता रही हूँ कि आपने 2 खाने के चम्मच दही डालनी है और 2 अदद आपने मिर्च डाल देनी है दरमियान से काट कर। इसको इतनी देर तक पकाना है कि दही का जो ये पानी है ये खुश्क हो जाए। देखिए इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। आप भी घर में ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। थैंक यू। सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।